बेलपत्र, फूलमाला, भांग धतूरा, कहीं दूध का अभिषेक, कहीं जलाभिषेक, कहीं घाटों पर आस्था की डुबकियां, तो कहीं शिव दरबार में बम बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। ये झलक है आस्था की, ये झलक है अर्पण की, ये झलक है तर्पण की, ये झलक है औघड़ पर अटूट विश्वास की। ये वो झलक है जिसे देखने मात्र से ही अंतर मन पवित्र हो जाए, जो देखते ही महादेव के भस्मों में रंग जाने को आतुर हो जाए। यही वो झलक है जिसे देखकर हर कोई झूमने को बेताब हो जाए। देश भर में आज पावन पर्व शिवरात्रि की धूम है। देश के कोने कोने में शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा है। सुबह सूरज उगने से पहले ही बाबा के भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। किसी हाथ में दूध तो किसी हाथ में जल, कोई शिव जी का प्रिय भांग धतूरा बेलपत्र तो कोई फूलमाला लेकर पहुंचा। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर बात करें बरेली की तो बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। नाथ नगरी बरेली को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हर दिशा में प्रसिद्ध शिव मंदिर मौजूद है। इस समय हम बनखंडी नाथ मंदिर में खड़े, आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके की यहाँ पर भक्तों की सुबह से ही लाइन लग गई थी, और अभी भी देखिए काफी यहाँ पे भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ देर रात से ही लोग लाइन में आकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बरेली में जो है शिवरात्रि पर अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बनखंडी नाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, अलकनाथ जैसे प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जो कि बरेली की चारों दिशाओं में मौजूद हैं। और कहा जाता है कि ये मंदिर जो है बरेली शहर की जो है प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा भी करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, यहीं का बासिंदा हूँ, और इस साल जो है इस वर्ष सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है पूजा में, और बहुत उत्साह और हर्ष के साथ पूजा करने आए हैं, जो कि आज इस समय 12 बजने जा रहे हैं। और अब भी इससे पहले कभी मैंने, कई वर्षों से यहाँ हूँ मैं, बासिंदा यहाँ का हूँ, इतनी लाइन नहीं देखी, और डबल ट्रिपल लाइनें लगी हुई हैं। प्रशासन का पूरा इसमें सपोर्ट है, हमारा साथ में है प्रशासन, यहाँ पे सब लोग सब सही से हैं, मेला भी अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। ये नज़ारा है शाहजहांपुर के प्राचीन शिव मंदिर का, जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच टाउन हॉल स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे भक्तों ने शिव जी की आराधना करते हुए अपने प्रियजनों की सलामती की मुरादें मांगी। आज महाशिवरात्रि का दिन है और ये बहुत बड़ा पर्व हम लोग मनाते हैं। इसमें सारी कृपा भोलेनाथ की होती है, ये मानते हैं कि भोले बाबा का ही है जो भी है बनाया हुआ, तो बस उन्हीं के नतमस्तक होकर के अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, हम लोग उनके सामने रखते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, सबको अच्छा रखे और सब पे अपना आशीर्वाद रखे। इसी मनोकामना के साथ हम सभी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, और सभी कोई अन्न के साथ व्रत का समापन करता है, कोई कूटू के भोजन के साथ समापन करता है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जैसा व्रत रखता है ईश्वर उनकी सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उत्साह तो आपको खुद ही लग रहा होगा, पूरे प्रांगण में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी हुई है और ईश्वर करे बनी रहे। इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हमारा देश और समाज सब उन्नति करे। जो हालात दुनिया में चल रहे हैं उसके हिसाब से भोले बाबा की विशेष अनुकंपा की जरूरत है। करीब 2 साल बाद शिव जी के दरबार में ये तांता लगा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 सालों से मंदिर में भक्तों के पूजा अर्चना करने के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे। यहां तक कि जलाभिषेक करने के लिए भी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से भक्तों को महादेव के पास जाकर जलाभिषेक करने का मौका मिल रहा है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। मान्यता है कि इस पावन पर्व पर जो भी भक्त व्रत रखकर भक्तिभाव से कामना करता है, भगवान शंकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।
आज हम मौजूद है लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि भक्तों का हुजूम जो है वो कितना ज़्यादा लगा हुआ है। भक्त इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, काफ़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि जो आज भगवान भोलेनाथ का दिन है, आज भोलेनाथ की शिवरात्रि है, तो ऐसे में लोगों का जो ताता है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। लोग जोरों शोरों से नारे भी लगा रहे हैं। आज की मान्यता ही कुछ और है क्योंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन ऐसा कहा जाता है कि आज जो है वो शिव का दिन होता है और लोग इसे खास तरीके से मनाते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जानेंगे कि क्या है आज की मान्यता और वो कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनमें साफ देखा जा सकता है कि ये कितने श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्साह में से हम बात करते हैं। मैम, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रही हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? अर्चना सिंह। अच्छा, यहाँ पे आपकी आप क्या मान्यता है यहाँ की और आपके मन में क्या ऐसी मनोकामना? मेरी तो सब मान्यता पूरी होती है। सारी मान्यताएं पूरी होती हैं? अच्छा मैम, आप ये बताइए आपका नाम? बम बम। हम लोग लखनऊ आशियाना से आए हैं बाबा के दर्शन करने। इतनी दूर से? हाँ, इतनी दूर से। बाबा बुलाते हैं तो लोग न जाने कितनी दूर से जाते हैं चल के, और फिर भी बड़ी कृपा है कि बाबा ने हमें बुलाया। और मनकामनेश्वर मंदिर है, आज मेरी और सभी की जितनी मन की कामनाएं सब पर बाबा आज मोहर लगाएंगे। आपकी क्या मनोकामना है मैम? मनोकामना तो बताई नहीं जाती नहीं, है क्या? ऐसी आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं यहाँ? बिल्कुल पूरी होती हैं, बिल्कुल पूरी होती हैं। बाबा किसी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ भी खाली नहीं जाता है बाबा पर। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करें और आप पर भी कृपा करें, आपकी मनोकामना भी आज पूरी होके जाएगी। धन्यवाद मैम, हमारी मनोकामना पूरी करा रहे हैं। मैम आपका नाम क्या? मीरा गोस्वामी मैडम। आपकी क्या मनोकामना है मैम? आपकी मनोकामना है पूरी? हमारी मनोकामना क्या, हम कोई जरूरी नहीं मनोकामना से हम उनके दर्शन करने आए हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी मनोकामना पूरी करते ही हैं यहाँ आने के, खाली नहीं जाते। आपकी क्या, आपका क्या नाम है? रिंकी कुमारी। आप यहाँ क्या मनोकामना लेकर के, ऐसी क्या इच्छा लेके आई? भगवान के दर्शन करने आई हूँ, जो भी इच्छाएं होती है यहाँ पूरी होती है। और हम लोग सुबह से 5-6 घंटे से खड़े हैं लाइन में दर्शन करने के लिए। मैम आपका क्या नाम है? प्रिया नाम है। कितनी देर से आप लाइन में खड़ी? 7 बजे लगभग। 7 बजे से, इतनी देर से? हाँ। तो मैम ऐसी कोई खास मनोकामना है जो पूरी? खास मनोकामना नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, बस उसी के लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ, भगवान अगर अपनी इच्छा से देंगे तो वो अवश्य पूरी करेंगे, और हम उनसे कुछ कह नहीं सकते। वो अपने मन से जैसा जिसका कर्म होगा वैसे उसको फल मिलेगा। मैम आप कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? मैं सुबह 7 बजे से खड़ी हूँ। 7 बजे से जी। इतनी देर से लाइन में खड़ी हैं यहाँ, इस मंदिर की ऐसी क्या खास मान्यता है? इस मंदिर में बहुत सालों से ये मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी भक्त जन आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिव जी, भोलेनाथ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैम आपकी मनोकामना पूरी हुई है? बस ये कोरोना काल खत्म हो जाए, यही एक मनोकामना है। बोले अच्छा, पिछले 2 साल कोरोना में बीते हैं तो फिर उस टाइम भी ऐसी कोई सुविधा थी? कोई सुविधा नहीं थी, जैसे बाबा ने रखा वैसे रहे। बस आपका क्या नाम है? आयुषी। कितनी देर से लाइन में खड़ी? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से इतनी देर से खड़ी है, कोई खास मान्यता मैम? क्योंकि ये मनकामनेश्वर है जिसका अर्थात है मन की इच्छा, तो इससे हम लोग की मन की इच्छा पूर्ण होती है, और शिव जी जरूर हर एक की मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? हमारा नाम रेखा कश्यप है। आप क्या मांगने आई हैं? हम अपना हम बस सुखी से सब रहें, अच्छे से बस। अच्छा, सब सुखी रहें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती? हाँ, बहुत पूरी होती है, बहुत माना हुआ मंदिर है, तो हर साल हम लोग आते हैं। मैम आपका क्या नाम है? शीला उपाध्याय। आप कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? हमारे खड़े होने से लगभग 2 घंटे हो गए। 2 घंटे जी। अच्छा, 2 घंटे में आपको क्या लगता है कितनी देर में वहाँ तक पहुँचेंगी? लगभग 1 घंटा और लग जाएगा। 1 घंटा और लग जाएगा। ऐसी कोई खास मान्यता है इस मंदिर की जो आप मतलब जो हर साल आते हो आप यहाँ पे? हाँ, मान्यता जो दिल से मान लीजिए वो मान्यता होती है। हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। धन्यवाद मैम। आपका क्या नाम है? मधुमिता। मैम आप यहाँ पे कितनी देर से खड़ी हैं? हम लोग 9 बजे से खड़े हैं। आपकी क्या मनोकामना है? मनोकामना तो बहुत सारी है, क्या बताएं? जो पूरी होती हो वो बता दीजिए। पूरी होगी तब तो बताएंगे, अभी तो बस मनोकामना पूरी नहीं हुई है। नहीं, आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? हर साल आते हैं। हर साल आती है? कितने साल हो गए होंगे? 10-12 साल तो हो गए होंगे। 10-12 साल हो गए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखा जा सकता है कि 2 विंग बनाए गए हैं जिसमें लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है। मैम ये बताइए आप कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं?
हम 6:30 बजे से आके लाइन में लगे हैं। सुबह के 5 बजे से इतनी देर से फिर भी दर्शन करने को अभी नहीं मिला है? नहीं, पास आ जाइए, फिर भी दर्शन करने को अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला है। से आके यहाँ आने में लग गया, वहाँ से यहाँ तक बस आधे घंटे लग गए। हाँ, तो अभी कितना और देर लग जाएगा वहाँ? अभी एक घंटा, अभी एक घंटा और लग जाएगा। तो मतलब आप लोग काफी देर से खड़े हो, ऐसी कोई खास मनोकामना जो है पूरी हुई है पहले तो उसकी वजह से दोबारा आए हो आप लोग? नहीं, ऐसे ही आए हैं बस। कितने सालों से आ रही है मैम? कितने सालों से आप यहाँ आ रही है? हम लोग कितने सालों से तो नहीं आ रहे, 2 बार आ चुके हैं बस। मैम आप बताइए, आप कितनी देर से यहाँ खड़े हो? 6 बजे से। 6 बजे से इतनी देर से लाइन में खड़े हो बाबा के दर्शन करने के लिए? हाँ। कोई खास मनोकामना है? नहीं, बस ऐसे ही। आपकी? कोई खास नहीं। कोई नहीं। आपकी दादी? आप तो इतने एजेड लग रहे हो। आपकी कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे? हम हर साल आते हैं। हर साल आते हो, लगभग कितने सालों से? काफी सालों से। काफी सालों से। अच्छा भैया ये बताइए, कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से जी। कितनी देर में और दर्शन हो जाएंगे बाबा के? अब ये पता होता तो बहुत अच्छा रहता। लगभग एक घंटे। क्या कोई खास मनोकामना है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। कुछ सुना होगा इस मंदिर के बारे में? हाँ, ये मेरे दोस्तों ने बताया था। अच्छा, तो ये लोग आए हुए? भैया यहाँ की क्या मान्यता है? मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली, ये मैं इसके साथ आया था। संपूर्ण होती है मानता है। मैं 40 साल से आ रहा हूँ यहाँ। आप कितने साल से आए? 40 साल से। 40 साल से। 40 साल से आपकी जो मनोकामना है वो सब पूरी होती है। इतनी मतलब सर आपकी इतना एज हो चुका है, यहाँ पे ऐसा क्या कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम है जो मतलब अच्छा? बहुत ही बढ़िया होने लगी है। जैसे मैं 6 बजे लगा हूँ, नहीं तो मैं पिछले साल आया था 3 बजे गया था, आज मेरा टाइम 12 बजने वाला है, तब भी टाइम बहुत कम हो गया। सिक्योरिटी बढ़िया है। यहाँ का इंतजाम कैसा है सर, ये बताइए, इंतजाम कैसा है? इंतजाम तो ठीक ही है। कितनी देर से लाइन में खड़े? हम 4 बजे से खड़े हैं। कोई खास मनोकामना पूरी करवाने के लिए? भगवान की कोई मनोकामना नहीं, सभी लोग मनोकामना ही पूर्ण करवाते हैं और क्या मैम। कोई ये नहीं चाहता कोरोना वापस चला, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी भगवान की। सारी जय भोले। कोरोना तो वापस जाना ही चाहिए, भगवान से कहेंगे क्या करके। अंकल कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? एक घंटे से। एक घंटे में याद आ गए इतनी जल्दी? हाँ जी। इस मंदिर की क्या मान्यता है? पहली बार आ रहे हैं बता रही। अच्छा पहली बार आ रहे हैं आप मैम? हम बहुत बार आ चुके हैं। कितने सालों से लगभग आ रहे हैं? 3-4 साल से। 3-4 साल से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ बिल्कुल, तभी हम यहाँ रोज आते हैं, हमेशा आते हैं। ये ठीक है, काफी सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग मनोकामनाएं हैं, जो कि उनका ऐसा कहना है वो यहाँ पे काफी सालों से आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी भी हो रही है। इस मंदिर की एक खास अलग ही मान्यता है जो पूरी होती है लोगों की, ऐसा कहना है। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।